तो दोस्तों, बहुत जल्द भारत के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है जिनका इस्तेमाल चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ कि बनने वाले इन इलेक्ट्रिक व्हीकल में 50% से ज़्यादा मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें कि कौन सी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के काम को करेगी। सो यहाँ पर फॉक्सकॉन, जो भारत के अंदर आईफोन और सैमसंग जैसे कंपनीज के मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है, यही कंपनी अब फिस्कर, जो कि एक US की कंपनी है, इस कंपनी के लिए फॉक्सकॉन भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर कंपनी 300 से भी ज्यादा ऐसे इंजीनियर्स को यहाँ पर लाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि डिजाइन करते हैं BMW Z8, एस्टॉन मार्टिन, DB9 और भी बड़ी लग्जरी कार्स। वहीं फॉक्सकॉन का कहना है कि वो मेक द इलेक्ट्रिक ग्लोबल व्हीकल पियर इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, जहां पर फिस्कर बहुत सारे एडवांस और लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप करने का काम करेगी, जिनको एज वेल यूरोप, अमेरिका और चाइना, इसी के साथ में इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेस्ला भी काफी बड़े प्रयास कर रही है, लेकिन टेस्ला की कार्स का जो बजट है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। लेकिन यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होने वाली कार भारत और चीन जैसे देशों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो लगभग $30,000 यानी लगभग 22 लाख रुपए से शुरुआत होगी, और ये इंडिया में हुंडई और MG जैसी कंपनियों को भी टक्कर दे सकती है। जहाँ पर अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी नई फैसिलिटीज दी जाएंगी, कंपनी का प्रयास है कि यहाँ पर ऑटो पायलट की सुविधा भी दे दी जाए। यहाँ पर बहुत सारे और भी नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, बेटर स्टोरेज स्पेस होगा और बैटरी लाइफ भी काफी ज्यादा रहने वाली है। जहाँ पर कंपनी को भारत में आने से पहले ही भारत सहित कई बाजारों में 25,000 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लेवल को इस स्केल पर करेगी कि बहुत जल्द कंपनी 2.5 लाख यूनिट से भी ज्यादा एक साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ले। सो इस डील से कई बड़े फायदे इंडिया को होने वाले हैं। सबसे पहले चीज, देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहां पर काम करने वाले इंडियन लोगों को कई नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलेगा, इसी के साथ में हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, क्योंकि कंपनी 50-60% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगी, बाकी कंपोनेंट्स को वो इंपोर्ट करेगी और कंप्लीट कार बनने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे भी हमें दो तरीके से प्रॉफिट मिलेगा। और ये इंडिया के अंदर काफी बजट फ्रेंडली कार तैयार करने वाले हैं, जिससे इंडिया के अंदर भी इनकी डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही ग्लोबली डिमांड काफी ज्यादा हाई होगी, ये यहाँ पर 100% मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले जो भी बचे हुए 30-40% कंपोनेंट्स हैं वो भी यहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट करने में इन्हें कई सारी ड्यूटीज देनी पड़ेंगी और ये उससे बच जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़े स्केल पर की जाएगी, उसके लिए कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगानी पड़ सकती हैं इन फ्यूचर। तो कंपनी के द्वारा 20-22 लाख रुपए में एक बढ़िया इलेक्ट्रिक SUV तैयार की जाएगी, जिसकी रेंज भी काफी ज्यादा रहने वाली है। सो कंपनी के इस डिसीजन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।